नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कोरबा स्पाइन एंड ज्वाइंट सेंटर के यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आपसे बात करता हूं अलग अलग बीमारियों के बारे में। इसी श्रृंखला में आज मैं आपसे एआई टूल्स के माध्यम से बात करने वाला हूं कमर और साइटिका के दर्द को खत्म करने के लिए की जाने वाली स्ट्रेचिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम पीठ की स्ट्रेचिंग व्यायामों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जो विशेष रूप से कमर दर्द और साइटिका को राहत देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसलिए यदि आप पीठ की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियोस को आप मिस न कर दें, और हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूले। कमर दर्द आजकल एक आम समस्या बन गई है। यह डॉक्टरों के पास जाने के सबसे आम कारणों में से एक है। कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण मांसपेशियों में कमजोरी, उभार या फटे डिस्क, गठिया, लोर्डोसिस का खत्म हो जाना या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं। कभी कभी यह खराब पोस्चर, मोटापा या मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। इसमें कमर में दर्द के साथ मांसपेशियों की कठोरता, सीमित गतिशीलता और नितंबों और पैरों तक फैलने वाला दर्द हो सकता है। साइटिका दर्द साइटिक नस के मार्ग के साथ फैलता है, जो आपकी कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर आपके कूल्हों और नितंबों से होते हुए प्रत्येक पैर तक जाता है। आमतौर पर साइटिका शरीर के केवल एक तरफ प्रभावित करता है। इसका सबसे आम कारण हर्निएटेड डिस्क, रीढ़ की हड्डी पर हड्डी की बढ़त या रीढ़ की हड्डी का संकरा होना, स्पाइनल स्टेनोसिस होता है, जो नस के कुछ हिस्से को दबाता है। साइटिका में दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर नितंब के माध्यम से और एक पैर के पीछे की ओर फैलने वाला तेज चुभने वाला दर्द होता है। असुविधा हल्के दर्द से लेकर तेज जलने वाली संवेदना या असहनीय दर्द तक भिन्न हो सकती है। इसमें प्रभावित पैर या पैर की उंगलियों में सुन्नता, झुनझुनी या मांसपेशियों की कमजोरी भी हो सकती है। दोनों स्थितियों का आमतौर पर रोगी के इतिहास और शारीरिक परीक्षण के आधार पर निदान किया जाता है, और उपचार स्वदेखभाल और फिजियोथेरेपी से लेकर दवाओं और गंभीर मामलों में सर्जरी तक हो सकते हैं। इन लक्षणों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को सटीक निदान और उपयुक्त उपचार के लिए किसी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए। आइए अब चलते हैं स्ट्रेचेस की तरफ। सबसे पहले स्ट्रेच का नाम है कैटकाउ स्ट्रेच। इसके लिए सबसे पहले अपने हाथों और घुटनों के बल पे आ जाएं, उसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपनी पीठ को नीचे की ओर झुकाएं और अपना सिर ऊपर की तरफ उठाएं, उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को ऊपर उठाएं और अपना सिर नीचे की तरफ ले जाएं। इस स्ट्रेच को आपको 15 बार ऊपर और 15 बार नीचे की तरफ ले जाना है। मूवमेंट को स्मूथ और धीमा रखें और गहरी सांसें लें। झटकेदार गतिविधियों से बचें और अपनी गर्दन पर जोर न दें। अगले स्ट्रेच का नाम है चाइल्ड पोज। इसके लिए पहले फर्श पर घुटने के बल वीडियो में दिखाए तरीके से बैठ जाएं, उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर आगे की तरफ तब तक झुकें जब तक आपके दोनों हाथ जमीन से टच न हो जाएं। 1 से 2 मिनट तक इस स्थिति में रहें। अपनी बाहों को जितना आरामदायक हो उतना ही फैलाएं। अपने नितंबों को अपनी एड़ियों से छूने के लिए जबरदस्ती न करें। अत्यधिक स्ट्रेचिंग से बचें। इस स्ट्रेच को आपको 2 से 3 बार करना है और हर बार 1 से 2 मिनट तक होल्ड करना है। अगले स्ट्रेच का नाम है सिंगल नी टू चेस्ट स्ट्रेच। इसके लिए सीधा लेट के एक पैर को मोड़ लें और घुटने से पकड़ के अपनी छाती की तरफ खींचें। 30 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें और उसके बाद दूसरे पैर के लिए दोहराएं। प्रत्येक पैर के लिए 3 से 4 बार दोहराएं। स्ट्रेच करते वक्त दूसरे पैर को सीधा रखें। घुटने को धीरे से खींचने के लिए अपने हाथों या एक तौलिए का उपयोग करें। अपनी कूल्हों को फर्श से ऊपर न उठाएं और बहुत जोर से न खींचें। किसी भी प्रकार की स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं। 1. पहले वार्म अप करें। हमेशा हल्के वार्म अप से शुरुआत करें ताकि मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़े। ठंडी मांसपेशिया में चोटिल होने की संभावना ज्यादा रहती है। 2. अपनी सीमाओं को समझें। अपने शरीर की सीमाओं के प्रति सचेत रहें। दर्द की सीमा तक न खींचें। हल्का तनाव सामान्य है, लेकिन दर्द यह संकेत है कि आप ज्यादा पुश कर रहे हैं। 3. सही तरीके से सांस लें। स्ट्रेचिंग करते समय कभी भी सांस न रोकें। धीरे धीरे और गहरी सांस लें, क्योंकि यह मांसपेशियों को आराम देने और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है। 4. सही पोस्चर बनाए रखें। गलत तरीका अप्रभावी स्ट्रेचिंग या चोट का कारण बन सकता है। प्रत्येक स्ट्रेच के लिए सही तकनीक सुनिश्चित करें। 5. झटकों से बचें। स्ट्रेचिंग करते समय झटके से मांसपेशियों में छोटे छोटे टीयर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां और टाइट हो सकती हैं।
6. स्मूथ मूवमेंट करें, धीमी नियंत्रित तरीके से स्ट्रेच करें। तेज या झटकेदार गतिविधियां मांसपेशी तनाव का कारण बन सकती हैं। 7. अधिक स्ट्रेच न करें, अधिक स्ट्रेचिंग से मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है या वो फैट सकती हैं। केवल हल्के तनाव की सीमा तक स्ट्रेच करें। 8. नियमित रहें, नियमित रूप से स्ट्रेचिंग लचीलेपन में सुधार करती है और चोट का खतरा कम करती है। सप्ताह में कई बार या रोजाना स्ट्रेच करने की कोशिश करें। 9. अपने शरीर की सुने, यदि कोई स्ट्रेच असुविधा या दर्द पैदा करता है तो तुरंत रुक जाएं। दर्द यह संकेत है कि आप शायद स्ट्रेच को गलत तरीके से कर रहे हैं या ज्यादा पुश कर रहे हैं। 10. समरूपता पर ध्यान दें, अपनी स्ट्रेचिंग को समरूप रखने की कोशिश करें। अपने शरीर के एक तरफ को दूसरे से अधिक न खींचें। 11. हाइड्रेशन बनाए रखें, हाइड्रेटेड रहें ताकि आपकी मांसपेशियां लचीली और स्वस्थ रहें। 12. चोटिल मांसपेशियों में स्ट्रेचिंग से बचें, यदि आपको चोट लगी हो तो प्रभावित क्षेत्र में स्ट्रेचिंग शुरू करने से पहले स्वास्थ्य प्रदाता से परामर्श करें। 13. अपने शरीर के लिए संशोधित करें, जरूरत के अनुसार स्ट्रेच को अनुकूलित करें। यदि आपके पास शारीरिक सीमाएं हैं तो स्ट्रेच में मदद के लिए पट्टियों या ब्लॉक्स जैसे प्रोब्स का उपयोग करें। 14. व्यायाम के बाद कूल डाउन करें, व्यायाम के दौरान इस्तेमाल की गई मांसपेशियों को आराम देने और लंबा करने के लिए अपने कूल डाउन दिनचर्या में स्ट्रेचिंग को शामिल करें। हैप्पी रहिए, हेल्थी रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।